हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। यानी हम एक सैटेलाइट को जमीन से हम कंट्रोल कर लेते हैं। उसके अंदर एक चिप्स अगर हमने लगा दिया, इसके अंदर जो मीटर के अंदर है, उसको हम जब चाहेंगे, जिसका चाहेंगे, दूर के रिमोट से हमारा एक आदमी जाएगा, लोने में लेकर के सबका बढ़ाता हुआ चला जाएगा, हम उसको रोक नहीं सकते। शैतान के जहरीली मशीन से आया हुआ ये लाइन है। जो पावर में होता है काम उनको करना है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको सरकार चलाने को ही नहीं आती। आप सीधे 39,000 जो कमजोर है उसका काट दिया। एक नगर सेवक किसी का आपका जान पहचान का है, उसके है, उसका आपने छोड़ दिया। परमिशन लेना होता है। दूसरे लोग चाहते हैं विदाउट परमिशन अपना हू हा करके चले जाते हैं। कि टॉरेंट के जितने भी मीटर हैं, बड़ा मेहरबानी कोई भी न लगा। इसमें क्या है, आपको पता है कि पिछले 6 साल से देश में क्या हो रहा है धर्म के नाम के ऊपर। हमारे शुरुआत के 2015 से लेके 2018 में हमारे करीब 24 MLAs के ऊपर धर्म के ऊपर ही गलत ये करके, गंदी राजनीति करके भारतीय जनता पक्ष ने हमें फंसाने की कोशिश की। क्योंकि देखो, आपको पता है कि सोशल मीडिया की बहुत ही शैतानी सिस्टम उनके पास है, मीडिया उनके पास है। आपको पता है कि परसों के दिन में G24 का जो संपादक है आशीष जाधव जी, उनको इतना प्रेशर डाला, उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर जो जो आरोप हुए, जो जो कॉन्स्पिरेसी की, उससे सभी, इससे हमारे 24 आमदार बाहर आए। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, मैं इसलिए देश का संविधान की बात कर रहा है। हम खुद अमानतुल्लाह भाई के साथ में ओखला में काम किया है, अमानत भाई यहाँ पे भी आए थे और हमने जो बातें की वही हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा भी था। हम कोई भी कितना भी प्रेशर आए तो भी हमने लाइन नहीं छोड़ी है। दायुज है आपकी पार्टी के पार्षद के, उनके ब्याप में या दूसरे केस में आपने माइनॉरिटी का विश्वास जीतने के लिए क्या किया वहां पे? नहीं तो हम साथ में है ताहिर हुसैन के साथ में, उसको संवैधानिक अभी मामला जो है। धनंजय जी, आप कह रहे हैं जो पोलराइजेशन का माहौल 6 साल से भाजपा ने पूरे देश में बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं चुनाव के दौरान से। उस वक्त उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा जय श्री राम के जवाब में, और दिवाली के दौरान उन्होंने मंदिर में जाकर के पूजा की और समस्त दिल्ली वासियों को अपील भी की कि वो पूजा में शामिल हो। आज तक कहीं पर भी किसी भी अन्य दूसरे धर्मीय कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से जाके केजरीवाल जी ने जो है समता एकता का कोई ऐसा संदेश नहीं दिया जब से सरकार बनी है। आप सर, तो कहीं ना कहीं आप भी और आपकी पार्टी भी जो आप है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में फिर आप भाजपा को जो है कट्टर हिंदुत्व के नाम पर जो है वो वातावरण खराब कर रही है, ये आरोप कैसा लगा सकते हैं? जी, आपके पास मेरे ख्याल से आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि यही सवाल मुझे काफी हमारे पत्रकार मित्रों ने पूछा, काफी हमारे मुस्लिम, जैन, पंजाबी फ्रेंड्स ने पूछा। कुछ लोगों ने तो हमें कुछ ऐसे लाइन ही बना के जो उनके जहरीली फैक्ट्री से आई थी, हमें हमारे ऊपर ठप्पा मारने की कोशिश की। तो उन दोस्तों को मैं ये मोबाइल जानबूझ के देखा, एक वीडियो है उसमें फैक्ट्स है, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा और इसके बाद में ये मैं फैक्ट्स आपके साथ में शेयर भी करना चाहूंगा। कि आपने बोला कि एक ही धर्म के लिए ये किया, दूसरे धर्म के लिए वो नहीं किया, तो ये सारा सा हम नहीं कह रहे एक धर्म ये झूठ है। अगर ये सुनिए ना भाई, कह रहे आपकी जो पार्टी की लाइन चल रही है, शीर्ष नेतृत्व जो लाइन लेकर के चल रहा है, वही बोलना चाहता हूँ, लाइन पर उंगली रखी। मैं आपको मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये लाइन जो है ये शैतान के जहरीली मशीन से आया हुआ ये लाइन है। शैतान का मतलब क्या होता है, वो शैतान झूठ ही बोलता है, वो तो जहर ही फेंक रहा है, ऐसी बात नहीं। हमारी कथनी और करनी में अंतर है क्या? साफ हेडलाइन बनी थी, आप कैसे बोल रहे हो शैतान का प्रचार? तो वही है ना, गलत चीजें भेजना, अच्छे दिन की बातें करना, और अल्टीमेटली इनकी नियत क्या है ये देखा है। और कितना देखना चाहिए आपको, आप मुझे बताइए यहाँ पे, और कितना बातें मतलब देखनी चाहिए आपको? सेक्युलर कह रहे हैं हम लोग। देखिए, एक चीज मैं बोल जवाब दे देता हूँ। जहां तक सवाल है
हम डेवलपमेंट के मामले पे मुद्दे पे आए थे ना, डेवलपमेंट का फायदा सबको मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सिंधी सबको मिल रहा है, और जो फंक्शन आते हैं फेस्टिवल आते हैं हमें भी अपना राइट है अपने ईद के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं सर उस पे सवाल नहीं किया, आप आपका मकसद जो है ना जाहिर हो रहा है ना। नहीं नहीं एक मिनट, हर नेता देखिए उसका इंडिविजुअल एक अपना एक लाइफ है, उसमें हम आज जा रहे हैं पर्टिकुलर इसमें अपने फंक्शन के अंदर, तो उससे मतलब नहीं है। हमारा यह है कि हम अपना डेवलपमेंट एक लाइन पे है, दूसरे लाइन पर हम एक जगह अपना किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर जहां पर डेवलपमेंट का मुद्दा है वहां पर हम डिफरेंशिएट किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री भरोसा करके आपको सत्ता में लेके आए हैं, आप यहाँ से कल जीत जाते हैं, कोई भी माइनॉरिटी का लड़का जेल जाता है या उसके ऊपर ट्रायल चलता है या कोई आपका कार्यकर्ता उसके ऊपर केस बनता है, तो आप सेकुलर होने के लिए पीछे हाथ तो नहीं घसीट लेंगे ना, आप उसका साथ तो नहीं छोड़ देंगे, आप शो करेंगे हाँ आप उसके साथ में, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके शो करेंगे कि आप उसके साथ में। आप सभी के सवालों का जवाब इस वीडियो में है, मैं आपके जानकारी लेके यह वीडियो चलाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मैं बोला कि शैतान के फैक्ट्री से आया था, इसमें सभी धर्मों के लिए क्या क्या किया है, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए आपके साथ शेयर करूंगा, हम एक दूसरे का आप जानते हैं, हम पिछले एक सवा साल से वीडियो मत दिखाए ना, आप खुद जानते हैं। तो मुद्दा क्या है, तो इसलिए मुद्दा कहना चाहता हूँ, पूरे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सत्य के साथ में रहेंगे, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, हम सच्चाई के साथ में, कोई भी लड़का हो कोई भी व्यक्ति हो अगर उसको टारगेट करके अंदर फंसाने की कोशिश की होगी तो आम आदमी पार्टी उसके साथ में खड़ा है। माना कि एनआरसी और सीए के टाइम नहीं, दिल्ली शहर क्या बोल रहा था, दिल्ली शहर पूरा जल गया, केजरीवाल क्यों नहीं बोले, ये गलत है आपकी बात, शायद आप मैं अपना बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन आप आधी अधूरी है, नहीं बताया वन साइडेड कार्रवाई हुई है, एक चीज मैं बताऊँ और दूसरी चीज, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम समझा करें, एडमिनिस्ट्रेशन में शायद आप लोग रहेंगे तो समझ पाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है कि जिसके पास जो पावर है उस पावर में हम इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इसकी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है कि पुलिस दिल्ली के कब्जे में नहीं है। नंबर एक, आपको मालूम है कि एक वक्त था, एक वीडियो आपने शायद देखा हो कि अरविंद केजरीवाल भी गए हैं एक जगह पे और उनको खदेड़ा गया है, ये कह कर देखिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देखिए जब उनका शहर है पुलिस नहीं होने की वजह से, एक जब पुलिस को हमने मैदान नहीं दिया, अमित शाह की पुलिस को आपने मैदान नहीं, वो स्टेडियम नहीं दिया जेल बनाने के लिए, अभी आपने कहा है तो मतलब आपका कुछ तो पावर, सीएम आपका है तो आपके पास, तो मुद्दा क्या है कि दिल्ली की यहाँ जी यहाँ पर आ जाते हैं बुमराह पाजा के मुद्दों पर, एक मिनट आपने पूछा है ना दो बार पूछा था उसको बात बोलिए, वही लोकल मुद्दा, धनंजय शिंदे साहब और बैजी साहब 2019 में विधायक का चुनाव हुआ, पार्टी का आपका यहाँ संगठन नहीं था कुछ नहीं था, जो भी था आपके हिसाब से 30,500 वोट जो है कलवा मुमरा के लोगों ने दिए, खास करके मुमरा कौसा का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से एज ए विरोधी पक्ष की मुहर लोगों ने आप पर लगाई थी और विरोधी पक्ष के नाते आपने शहर को अब तक क्या दिया जी, आपको यह मालूम होना चाहिए कि देने और लेने की बात तब होती है जब कोई पावर में होता है वही दे सकता है, दूसरे जब तक विपक्ष होंगे, मैंने कई बार लोगों का शायद सुना भी होगा कि मनमोहन सिंह 10 साल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, दो टर्म 10 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो टर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे और 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आज के डेट में जब पावर में नहीं है तो उनके अपने एक पर्सनल छोटे काम को भी कराने के लिए उनको ऑफिसेज में जाके चक्कर लगाने पड़ते हैं, जैसे नरसिम्हा राव को, हर प्रधानमंत्री को, यानी पावर का ये इस्तेमाल होता है जो पावर में होता है, उस एक प्रधानमंत्री जो इतना पढ़ा लिखा हुआ पूरी दुनिया इज्जत करती है मनमोहन सिंह की, वो भी नहीं कर सकते, तो पावर का ये वैल्यू होता है, जो पावर में होता है काम उनको करना है, हमारा काम सिर्फ ये है कि जो इश्यूज है उस इश्यूज को हम कितने अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं, बस इतना ही हमारा काम है, वो हम अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं।
मतलब है, डेट्स ऑल। नहीं, हाईलाइट का मतलब क्या, वो प्रोसेस क्या है, क्या हाईलाइट करना? हाईलाइट का मतलब ये होता है कि जिस चीज को आप ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहे हो, जिस चीज को आप आवाज उठा करके आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे, दिस इज कॉल्ड हाईलाइट। एक साल पहले विधानसभा के इलेक्शन के दौरान हमने डॉक्टर फैजी साहब के माध्यम से, जिनका बैकग्राउंड आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशंस में काम किया है, पॉपुलेशन साइंस में उनका पीएचडी है, तो उनको उनके रूप में एक कॉमन आम आदमी को हमने उम्मीदवारी दी थी, और यहाँ के प्रश्नों के खिलाफ हम निर्भीड़ता से खड़े हुए, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा। मैं तो बोलता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, 30,500 वोट सिर्फ 11 दिन में ये करके, और सामने वाले जो भी उम्मीदवार चुन के आए उनकी क्या अवस्था हुई थी उसके वीडियोस भी घूम चुके हैं, क्या नाटक किया उन्होंने, नाटक बना के ये तो मैं ड्रामा कर रहा था, वो सब सब जगह पे लीक हुआ है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त करने आए हैं कि हम वही सोच लेके यहाँ के जो लोकल इश्यूज है, हम सत्ता में आने के लिए यहाँ के लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए आह्वान करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीतिक क्रांति में सब शामिल होना चाहेंगे, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, हम उनसे विनंती कर रहे हैं कि अब हमारे साथ में जुड़िए, आइए आम आदमी के पार्टी के साथ में लड़ाई लड़िए, इलेक्शन लड़िए, हम जीत के आएंगे। और क्योंकि हमारा विकास जो है मुमरा के जनता का विश्वास, ये मुमरा के जनता ने चुने हुए लोक प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम करेंगे, और अच्छा एक नया मॉडल करके दिखाएंगे 5 साल में, जो पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ, सभी पार्टियों को चांस दिया है आपने, तो इस माध्यम से हम ये प्रश्न सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर चीज के लिए डॉक्टर साहब ने जैसे बोला कि यहाँ का 100 करोड़ रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको सरकार चलाने को ही नहीं आती, 100 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है, मुझे लगता है 100 करोड़ में से 25 करोड़ भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुमरा के बहुत सारे प्रश्न छूट सकते हैं। इसके लिए कुछ बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, कॉमन सेंस की जरूरत होती है, लेकिन उनका आर्थिक व्यवहार, आर्थिक हित संबंध इसमें बीच में आता है, इनकी नियत का सवाल है, इनकी नियत खराब है। हम अच्छी नियत से ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं, आगे अगले 1.25 साल में हम ईमानदारी से काम करेंगे, और उनको इसी ग्राउंड पे, इसी एरिया में उनको हम पराजित करेंगे, यह हमें आत्मविश्वास है। जो भी आवाम के भलाई के लिए मिलके काम कर रहे हैं, हम सबके साथ है। आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है किसके ऊपर? टोरेंट के ऊपर। देखिए, टोरेंट आप टेक्निकली हम जाएंगे तो हम टोरेंट पे कम, हम MSEDCL पे ज्यादा प्रहार करने जा रहे हैं, और वो हम यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं, हम उनके सेक्रेटरीज के साथ बैठ रहे हैं। हमने आपको शायद दिया था एक पेज लास्ट टाइम दिया था, उसमें सारे हिंदुस्तान के सारे प्रोवाइडर का वो क्या क्या रेट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कौन चार्जर लगाते हैं, किस रेट पे लगाते हैं, ये हम टोरेंट के साथ बैठ के नहीं कर सकते। ये हमें बैठना पड़ेगा सेक्रेटरीज के साथ, किनके? जो एनर्जी मिनिस्टर के हैं। सेक्रेटरीज जब हम कन्विंस उनको कर लेंगे कि जब हिंदुस्तान के सारे जगह कहीं भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है और सबसे महंगी बिजली यहाँ पे है, और आप ये चार्जर लगाते हो और जहां पर कुछ नहीं होता उसके बाद भी वो चला करके वो अपने फायदे में है और पब्लिक खूब उसका लूट भी रही है तब भी फायदे में, तो हम यहाँ पर जब MSEDCL जिस दिन कम कर देगी, ये फ्रेंचाइजी है, इनका ऑटोमेटिकली सब चीज आएगा। अब उनको परोड़ेगा तो ये रहेंगे, नहीं तो ये यहां से छोड़ करके इनको निकलना पड़ेगा। तो हमारा आप टेक्निकल इसमें जाएंगे तो हमें MSEDCL पे प्रहार करना है, क्योंकि MSEDCL असल प्रोवाइडर है पूरे महाराष्ट्र की। ये देख छोटे से फ्रेंचाइजी हैं जो यहाँ पर भिवंडी में देते हैं, इनको हमें कम, इनको यहाँ पर हम रोक सकते हैं बिल देने के लिए, ठीक है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उस पर हम ज्यादा अब उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि हम ऊपर से हम MSEDCL का जो है वो सारे जितने भी रेट है, जैसे एक दुकानदार लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, सिर्फ एक दुकानदार एक यूनिट जलाएगा महीने में, कितना नहीं भी जलाएगा तो उसको 500 रुपया, 498.47 रुपया का बिल आएगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि 400 समथिंग रुपया तो फिक्स चार्जेस है, उसके बाद ये इतने घपले हैं, ये सारे घपले हम आपसे बात करने से अच्छा है कि हम एनर्जी मिनिस्टर के सेक्रेटरी के साथ बैठे और वहां बात करें, उनसे हम आए। ये सब टेक्निकल मुद्दे बता रहे हैं आप, बिलिंग सिस्टम में जो खामियां है उसके अंदर जो एक मैकेनिज्म लगा करके मैनिपुलेशन के तहत लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, लेकिन इसमें आपको नहीं लगता है कि जन जागृति होनी चाहिए, ये चीजें जो है आवाम को पता होनी चाहिए, और ये मुद्दे बताने का कम से कम एज ए अपोजिशन पार्टी बुमरा कौसा कलवा दीवा में ये आम आदमी पार्टी को करना चाहिए, लेकिन उस सतह पर अब तक आपकी पार्टी की तरफ से या आप लोगों की तरफ से कोई कदम उठता हुआ नजर नहीं आया। जी, आपको शायद पता नहीं है कि हमने 14 प्रोग्राम
14 हमारा जो लेटर है उसमें 14 हमने पॉइंट उनको दिए हैं और हमारा आज ही का दिन था उनसे जाके हिसाब लेने का। किन से? शेख साहब से, वहां पर ऊपर जो ऊपर बैठे हुए यहाँ पर के हेड हैं उनसे मुझे आज हिसाब लेना था। आज सैटरडे है, हम लोगों ने किसी वजह से आज का डेट छोड़ करके हम उनको ट्यूसडे, क्योंकि मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे में जाकर के फिर उनसे हिसाब किताब लेने वाले। देखिए जितने बिलिंग का प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट टॉरेंट से रिलेटेड है और उस मैटर को हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इनको हमने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि एक भी नहीं, बल्कि सिर्फ इतनी नहीं, हमने ये चलाया है व्हाट्सएप के ऊपर कि जिन लोगों का भी बिजली काट रहे हैं हमें फौरन इन्फॉर्म करें। एक आदमी ने हम लोग को भेजा, ठीक है, कि हमारा 39,000 का ये बिजली का बिल है और हमारा काट दिया है। हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, ये सारे चीज दे दिया। अब हम जा रहे हैं पूछने के लिए कि ये 39,000 वाले का काटने की वजह क्या है। क्या आप पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ये कि पूरे मोमरा और कलवा का सब पहले आप निकालिए कि किसका किसके यहाँ बकाया है, ठीक है। तो जब एक किसी का आएगा 5 लाख, किसी का 4 लाख, तो उसके सिस्टमेटिक में जाइए ना। आप पहले आप सीधे 39,000 जो कमजोर है उसका काट दिया। एक नगर सेवक किसी का आपका जान पहचान का है उसके हैं, उसका आपने छोड़ दिया। उनके पूरे पूरे बनाए हुए जो हैं सारे उनका छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलने देंगे। और हम उनसे बहुत खतरनाक, मेरी बात लास्ट टाइम भी हुई थी, हम देखिए लास्ट टाइम फर्स्ट शेख साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, हमने साफ साफ कहा था आपका ये सिस्टम बंद कर दीजिए कि पहले तुम भरो, ठीक है, बाद में हम उसको करेक्ट करेंगे। हमने वहीं पर कह दिया ये नहीं चलेगा आपका, पहले आप करेक्ट करो दिन भरने की बात होगी। और वो भी आम आदमी पार्टी चाह रही है, देखिए हमारे पास भी टेक्निकल लोगों की थोड़ी कमी है, हम चाहते हैं कि जगह जगह हमारा लगा हुआ हो, लोग आए और उनके हम उसको बहुत अच्छे से गहराई से उनके स्टडी करें और जाकर के उनके कम कराने की हम पूरी ये करें। लेकिन लोग हमारे साथ पढ़े लिखे जब जुड़ेंगे और उसके टेक्निकल टेक्निटीज को जो बिल में होता है उसको समझेंगे तभी हम कर सकते हैं। हम कहते हैं अकेला चना भार नहीं पड़ेगा जब तक हमारे साथ आवाम साथ देगी, डेफिनेटली हम इन सारे कामों को करने के लिए पूरे सक्षम है और करके दिखाएंगे। नहीं वही बात है भैजी साहब, आवाम ने तो आपको साथ दे दिया 30,500 का आंकड़ा दे करके, आप आवाम को जोड़ने में अब तक क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे? जब 30,000 का जब दिया था अक्टूबर में, शायद उससे पहले सितंबर से हम NRC और NPR के ऊपर काफी बिजी और उसके बाद भी रहे, और जैसी ये सब चीजें सिस्टम चल ही रहा था तब से कोरोना काल में है। हम कई बार पहुंचे भी हैं पुलिस में, आप जानते हैं डिसिप्लिन पार्टी होने की वजह से हमें हमेशा यहाँ पर जो है परमिशन लेना होता है। दूसरे लोग चाहते हैं विदाउट परमिशन अपना हू हा करके चले जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें हर चीज हम परमिशन लेके करते हैं और हमें मुश्किल से 4 लोग कभी 5 लोगों का परमिशन मिलता है। फिर उसी परमिशन के जरिए ही हम सारे काम को यानी कि आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और हम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हम कई बार इस सिलसिले में काम कर भी रहे हैं, सब लोगों के पास जा भी रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा शोर शराबा से जो जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर की चीजें, और हमने आवाम से भी अपील किया है कि आप अभी जब तक ना भरे, जिन लोगों का सही बिल है वो डेफिनेटली भर दे, जिनको सेटिस्फाइड है, जिनका भी गलत है वो बिल्कुल ना भरे बल्कि हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम भी उनके साथ हैं, वहां भी जाएंगे, हम टेक्निकल चीज भी देखेंगे उनका सही है गलत है, क्योंकि आवाम को आज तक देखिए समझ में नहीं आता है बिलिंग सिस्टम के कैसे कैसे बिल में क्या होता है। और जब हम उनको समझाने के लिए भी हमारे पास भी टेक्निकल लोगों की कमी है, देखिए वोट देने के लिए तो अनपढ़ उनपढ़ जितने हैं सब दे देते हैं, लेकिन जब हमारा साथ देने जहां टेक्निकल लोगों की हमें जरूरत पड़ती है वहां पर हमें कुछ पढ़े लिखे लिटरेट लोगों की। हम आपको ये एक और हम ऐलान आज करना चाहते हैं कि टॉरेंट के जितने भी मीटर हैं बड़ा मेहरबानी कोई भी न लगवाए। क्यों नहीं लगवाए उसकी वजह है, मैं देखिए सर टोरेंट के मीटर तो लग रहे हैं, कोई लगाने से रोकेगा उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। ये आज बिल्कुल इसीलिए हमने पहले भी कहा था कि जब भी ये होगा हम उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि देखिए आजकल देखिए हर चीज के ऊपर आप समझ रहे हैं कि एक सैटेलाइट, मैं क्योंकि रिमोट सेंसिंग का आदमी जब PhD जब मैं कर रहा था IIT में भी मैं था काफी दिन तक, और रिमोट सेंसिंग यानी हम एक सैटेलाइट को जमीन से हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसके अंदर एक चिप्स अगर हमने लगा दिया किसके अंदर, जो मीटर के अंदर है, उसको हम जब चाहेंगे जिसका चाहेंगे दूर के रिमोट से हमारा एक आदमी जाएगा झोले में लेकर के सबका बढ़ाता हुआ चला जाएगा, हम उसको रोक नहीं सकते। जिस दिन हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि इसमें कोई चिप्स ऐसी नहीं है उस दिन हम कहेंगे, नहीं तो आज के डेट में हर मीटर आप क्यों नहीं परमिशन देते हैं। दिल्ली में परमिशन है ना कि जो आदमी भी ISI मार्क का अपना आप खोज करके ले आओ, ला करके लगा लो, लगा करके अपना मीटर भर दे रहो। आप
परमिट करो, आप अपना क्यों लगाना चाहते हो टॉरेंट, अपना क्यों लगा, मार्केट में मिलता है हम अपना खरीद करके लाएंगे, आप चेक कर लो, चेक करके हमको दे दो, हम अपना लगा लेंगे, आप अपना क्यों लगाओ, हो सकता है आपके अंदर चिप्स हो और सबका बढ़ा करके आप करोड़ा करोड़ ये कर कर करके आप नेता को खिलाते रहेंगे, इसलिए हम अपोज करते हैं और कहते हैं कि टॉरेंट अपना लाना बंद करे और लोगों को परमिट कर दे कि किसी का खराब है, आपको लगता है खराब है तो आप कह दीजिए कि भाई आप अपना चाहो तो अपना लगा लो और हमारा चाहो तो हमको कह दो, हमें लगा देता हूँ, ये ऐसा सिस्टम यहाँ पर होना होगा, हम अगले मीटिंग में उनके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं। स्कूल फीस, स्कूल फीस के मुद्दे पर आपकी पार्टी की क्या भूमिका? देखिए हमारी स्कूल फीस के ऊपर बिल्कुल साफ है कि हम सबसे पहले आवाम के मसले के ऊपर रहते हैं, आवाम के साथ हैं, लेकिन स्कूल फीस का जहां तक मामला है हमने ये कहा था कि स्कूल का फीस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका माफ कर दिया, उसका एक तरीका होना चाहिए, कैसे तरीका होना चाहिए था कि स्कूल के ये कह दे कि भाई आप एक फॉर्म लगा दो, जो लोग अपना चाहते हैं कि फीस हमारा 4 महीने का वेव होना चाहिए, ठीक है ना, हर आदमी देखिए प्राइवेट में जो पढ़ा रहा है हर आदमी गरीब नहीं है, बहुत से लोगों की आज भी सैलरी प्राइवेट से भी मिल रही है, गवर्नमेंट वाले को तो मिलती है, हाँ ठीक है हम समझते हैं ये नहीं है, तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दे उनके बच्चे का उनको 4 महीने या 5 महीने जितने भी है स्कूल के कैपेसिटी के ऊपर उनको माफ करना चाहिए था, और जो बेचारे पैसे वाले उनका आप क्यों माफ कर रहे हो, शायद उसमें आप भी फलरिश होते हैं, दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सकता है, तो जो पैसे वाले हैं वो भरने के लिए आप कह दिया कि सारे बच्चों का भाई हमने माफ कर दिया 4 महीने का, क्या फायदा भाई आपको ये इसका कोई इसमें देखिए एक तो ये करना चाहिए था, बहुत सारे स्कूल हमारे डूब भी जाते हैं, देखिए हर स्कूल की कमाई एक जैसी नहीं है, बहुत सारे छोटे जो होते हैं जैसे छोटी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री का फर्क होता है, बड़ी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म भी प्रॉब्लम हो गया, रिसेशन हो गया तो उसमें सर्वाइव कर जाएगी, छोटी इंडस्ट्रीज का क्या हालत होता है, बंद हो जाते हैं, उसी तरीके से स्कूल जो छोटे छोटे होते हैं जब उनके लिए हम फीस वेव कर दिया, हो सकता है कि वो जो है उसके वजह से वो बिल्कुल बंद के कगार पे आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर एक सिस्टम मुंबरा में ये बना हुआ है कि आम तौर से जो स्कूल्स हैं वो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं। धनंजय जी, मुंबरा कौसा में एक सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का, नशे को लेकर आपकी पार्टी यहाँ पर क्या कर रही है? जी ये मुद्दा कभी भी आम आदमी पार्टी ने नशे के खिलाफ कभी भी मैदान में नहीं उतरी। मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि नशा सिर्फ कलवा मुमरा का इशू नहीं है, प्लीज आप एक समझ लीजिए, ड्रग्स और ड्रग्स माफिया, अभी आपने पता है वो कौन है, समीर वानखेड़े, जो पदाधिकारी थे उनके ऊपर हमला किया गया, बराबर ना, नेशनल नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पदाधिकारी के ऊपर हमला किया, वो काई को, वो जो लड़के, वो हस्बैंड वाइफ है ना दोनों, आरती सिंह और उसको ये किया गया, बाद में सुशांत के सिंह राजपूत का केस हुआ। मैं क्या बोलता हूँ, ये सिर्फ कलवा मुमरा का इशू नहीं है, इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो पॉलिटिकल फंडिंग करती है दोस्तों, और ये सिर्फ मुंबई के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, महाराष्ट्र के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, नेशनल भारत के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, पूरा इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनल लेवल के माफिया इस धंधे में है, जिसमें हम सही वक्त पे हम आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो आपके सामने पेश करेंगे। लोकल तौर तो सुनिए, यहाँ पर है बाजू में ही कोरेक्स की बोतलें सब पड़ी हुई हैं, 10-15 कोरेक्स की बोतलें बाजू में ही पड़ी हुई, आपके ऑफिस के बाजू में ही लोग आके नशा कर रहे हैं, वहां बैठ के पी रहे हैं, और आप आम आदमी पार्टी के ऑफिस ही बाजू में ही है, नहीं तो सुनो, कैसे माना जाए कि आप लोग जब यहाँ पर आपके ऑफिस के बाजू में नशा करने वाले को आप लोग नहीं भगा सकते, तो जो मुंबरा शहर के लोग और भी लोग हैं जो यहाँ करप्शन कर रहे हैं उनको कैसे भगाओगे आप लोग? उसका जवाब मैं देता हूँ। जहाँ तक नशे के का मामला है, ये पुलिस को आज से नहीं मालूम है, कई सालों से मालूम है, ठीक है, और कौन कौन लोग साथ देते हैं यहाँ पे, वो हमने कहा ना कि जब हम किसी चीज के, जब तक हम अपोजिशन है तो हमारे हाथ बंधे होते हैं, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम आएंगे किसी सत्ता में तो जाहिर सी बात है जब आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है तो आप 10 चीज करा सकते हैं। लेकिन हमने शिकायत के बाद में शिकायत कोई पी रहा है आगे तो आप शिकायत तो कर सकते हैं, सत्ता का नहीं है आप शिकायत करोगे पुलिस आएगी। हम यहाँ पर, हम जब यहाँ पे आते हैं, शाम में खुलती है या संडे में खुलती है, आजकल कुछ दिनों से तकरीबन 1 महीने से तो इनके घर पे तबीयत खराब होने की वजह से मीटिंगें सारी वहां हो रही है, आज काफी दिनों के बाद फिर यहाँ पर एक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट हुआ था, लास्ट के बाद फिर आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ऑफिशियल है इसलिए, तो हम यहाँ पर जब आते हैं तो वो सब देख के भाग जाते हैं। हमने इसकी शिकायतें वर्बली हमने पुलिस से भी की है, यहाँ तक कि हमने पुलिस कमिश्नर से भी की, पुलिस कमिश्नर से भी। मसला यह है कि जो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा नहीं है, देखिए जैसे आप खेत में पानी डालते हैं ना,
तो जब वो पंपिंग सेट जब आपका पंप करके पानी फेंकता है तो धीरे 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 फैलता है। तो बॉम्बे एक ऐसा जगह है जहां पर सारे नशा का कारोबार यहां पर पनपता है। पनपता है कि वो सारे जो आती है ना पानी के जरिए और यहां पर शुरुआत होती है। जब उस पंपिंग सेट का मुंह जिस दिन आप बंद करेंगे ना तो सारा सिस्टम अपने आप सारा वो सारा चीज जो फैलना है एक ही चीज बंद करना है, ठीक है। गैस आपका अगर कहते हैं ना गैस सिलेंडर से गैस निकल रहा है, आग लगी हुई है, आप गैस सिलेंडर का जहां पर से वो निकल रहा है ना सिर्फ कुछ नहीं होगा आपको, आप जस्ट जाकर के सिर्फ उसको उंगली लगा दीजिए पूरा घर का जो है सेकंडों में आपका बंद हो जाएगा। हम वैसा ही करेंगे कि जो जहां से शुरुआत हो रही है वो खत्म करेंगे, जो उसका रूट कॉज है रूट कॉज को हम बंद करना चाहते हैं। छाने मनपा चुनाव 1.25 साल पर है आप लोगों का कहना है और है भी, तो मनपा के मुंबरा कौसा के कलवा के या पूरे मनपा के तमाम प्रभागों में पार्टी लड़ने वाली है तो कौन से मुख्य मुद्दे होंगे और फिलहाल मुंबरा कौसा के कौन से मुद्दों पर आप जो है लोगों के बीच मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए ये चीजें हमें मुद्दा तो सारी मालूम है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा हो, चाहे हमारे बिजली का मुद्दा हो यहाँ पे ट्रैफिक का मसला हो, ठीक है, ये सारे हैं। और हमने लास्ट टाइम से हम चिल्लाते भी आ रहे हैं ट्रैफिक वाले से भी, हमने अभी ट्रैफिक पुलिस से भी उनके काफी बातें की और हमने लिखित में दिया कि क्या क्या आप करेंगे तो ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा। ये मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन हमें प्रायोरिटाइज जब हम हुकूमत में आ गए प्रायोरिटाइज तब हमें करना पड़ेगा। इससे 5-6 मुद्दे बहुत अहम है